दोस्तों कुछ दिन के लिए घर से बाहर मैं जरूर हूँ, लेकिन आप लोगों के दिल से बाहर नहीं हूँ। और आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और आप लोगों के पास दरखास्त है, इस चैनल का वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट किया करो। और आप लोगों के पास और भी एक दरखास्त है, वीडियो को अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक जरूर कर लीजिए, लेकिन ऑनर प्ले यूएमआई 10 का अपडेट चाहिए ये कमेंट जरूर लगा दीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट इस वीडियो को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले छोटा दो एक टेक न्यूज आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। पहला टेक न्यूज निकल के आते हैं ऑनर के तरफ से ही, और ऑनर 9X जितना लीक्स निकल के आ रहा है, ऑनर 9X इस ईयर को लिए जो लॉन्च होने वाला है, ये ऑनर का एंड्रॉयड लास्ट फोन होने वाला है, क्योंकि ऑनर के साथ गूगल का जो टाइप है ये इसी ईयर में खत्म होने वाला है। जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है उसको चिंता करने की बात कुछ नहीं है, लेकिन जो नए फोन लॉन्च होने जा रहे हैं उसको लॉन्च होगा एंड्रॉयड के साथ, तो गूगल सर्विस के बिना लॉन्च होना पड़ेगा। ऊपर एक पोल क्रिएट कर रहा हूं, इस पोल को जरूर भाग लीजिएगा। मैं जानना चाहता हूं ये जो फेस्टिव सेल चल रहा था, कौन ब्रांड का फोन आपने खरीदा और कौन ब्रांड का आप पसंद करते हो, आप लोगों के मन में क्या है, आप लोगों के पसंदीदा ब्रांड कौन है, ये मैं जानना चाहता हूं। नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रहे हैं एप्पल की तरफ से, और एप्पल ने इतला दे चुका है आप लोगों के पास आईफोन 5 और उससे ओल्डर फोन है तो उसको जरूर अपग्रेड कीजिए। सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करेंगे एटलीस्ट आपको iOS 10.2 का अपडेट जरूर होना चाहिए, नहीं तो इसमें जो आई क्लाउड है, इसमें जो मेल्स है, ये हैंग हो सकते हैं और फोन डेड भी हो सकते हैं। इसमें देखिए मेरे पास जो है ये आईफोन एसी है और इसमें iOS 13 चल रहा है, 1.3 रन हो रहा है। चाहे बग फिक्स हो और चाहे सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट हो, सिक्योरिटी हो, iOS बहुत ही एप्पल बहुत ही सीरियस है और इसमें चार अपडेट मिला है iOS 13 आने के बाद। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और न्यूज निकल के आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से, आप लोगों ने बहुत सारे दोस्त ने पूछा जो भाई गेमिंग स्मार्टफोन कौन सा अच्छा है, Redmi Note 8 Pro को लिया जाए या नहीं। आपको बताना चाहूंगा, आपने ऑर्डर कर दिया है तो कोई बात नहीं, ऑर्डर नहीं किया है तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि Redmi का ही बड़ा भाई आने वाला है CC9 और CC9 Pro जो लॉन्च होगा अगला महीने में। इसका लीक निकल के आ रहा है, ये 108MP का पहला कैमरा वाला फोन होने वाला है, इसी के साथ साथ ये स्नैपड्रैगन 730G को साथ जो आने वाला है। और ये जो स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 730G को साथ आ रहे हैं, इसका जो अंतुतु स्कोर है ये Redmi Note 8 Pro का अंतुतु स्कोर से ज्यादा है, और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस से लेकर इसका जो कॉल क्वालिटी है, इसका जो कैमरा फंक्शन है, ये सबसे बेहतर देखने को मिलेगा। और जो लीक्स निकल के आ रहा है, इसका जो प्राइस होगा इंडिया में, इसका प्राइस 20,000 से लगभग होगा। और इसका जो बड़ा भाई आने वाला है CC9 Pro, ये आएगा स्नैपड्रैगन 855 प्लस के साथ, जिसका 4 कैमरा आने वाला है, और इसमें जो छोटा भाई है इसका 3 कैमरा आने वाला है, तो 4 कैमरा वाला है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है इसमें भी 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। और आपको बताना चाहूंगा इसका जो प्राइस है ये भी 30,000 के लगभग होगा। और इसी के साथ Realme भी पीछे नहीं है, और Realme जब जब फोन कोई लॉन्च करता है उसके बदले Redmi भी उसके पीछे पीछे लॉन्च करता है, कोई भी Redmi अच्छा फोन लॉन्च करता है तो Realme भी उसके पीछे पीछे फोन कोई लॉन्च कर देता है। और ये जो लीक्स है इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, Realme X2 Pro, X2 ये आने वाला है, X2 Pro जो होगा इसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो है, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो में डाल दिया हूं, आप चाहे तो ऊपर वाला लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा EMEI 10 Honor Play के बारे में, तो आपको बताना चाहूंगा खुशखबरी के साथ Honor Play को लिए इंटरनल बीटा दिसंबर का महीने में लॉन्च होने वाला है, और इंटरनल बीटा में ये पास हो गया, पहले तो रिक्रूटमेंट होगा और इंटरनल बीटा में ये पास हो गया तो पब्लिक बीटा ये रन होने वाला है। तो आपको बताना चाहूंगा क्यों नहीं ये पास होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये किरिन 970 का फ्लैगशिप चिपसेट इसमें दिया गया है, और UFS 2.1 इसमें स्टोरेज देखने को मिलता है, जो Honor 8X है इसमें UFS 2.0 देखने को मिलता है, और इसमें किरिन 710 को प्रोसेसर दिया हुआ है, इसके बावजूद भी इसका जो हार्डवेयर है एलिजिबल है, तो ये क्यों नहीं होगा। और इसी के साथ साथ Honor 9N को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन Honor Play के लिए कंफर्म हूं। और इसी के साथ साथ Honor 10T i का भी
पब्लिक बीटा देखने को मिलेगा दिसंबर का महीने में। ये जो लिस्ट है पूरा पूरा इधर है, आपको सामने में है। और इसी को साथ साथ आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारी दोस्त ऐसी है मेरे जो ऑनर प्ले को लिए एंड्रॉइड 10 लाने को लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा मेहनत कर लीजिए। जितनी सारी लिंक्स आपको मिलेगा, जितनी सारी ट्वीट्स आपको देखने को मिलेगा, उधर आपको रीट्वीट करना पड़ेगा और आप चाहे तो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, क्यों नहीं मिलेगा। और इसके पहले भी आ सकते हैं, आप लोगों के प्यार आप लोगों के सपोर्ट मिलते रहे तो। और आपको बताना चाहूंगा इसके बाद बहुत सारी यूट्यूबर्स ऐसी है, आप चाहे तो यूट्यूब पेज में सर्च करके देख सकते हैं ऑनर प्ले डेप्थ रिव्यू, तो आपको आई ज्ञान का चैनल मिलेगा, टेक्निकल गुरुजी का चैनल मिलेगा, टेक बार का चैनल मिलेगा। ये लोग, ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, इसको पास मिलते हैं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाने के लिए, कोई भी डेवलपर्स को बात करने के लिए। तो ये लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठा रहे है, ये जो डिवाइस है इस डिवाइस के लिए कुछ हार्डवेयर का कमी है, तो इसके बारे में सबसे पहले ये बड़े यूट्यूबर्स को पता चलता है। तो इसके बारे में ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्यों चुप है, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है। आपको गुस्सा आ रहा है तो बड़े से लाइक देकर इस वीडियो को शेयर करते रहिए और इसमें जरूर कमेंट कीजिए ईएमईआर 10 को अपडेट चाहिए। और आप लोगों का जो फेसबुक पेज है इसको शेयर जरूर करिए। और लास्टली आप लोगों के पास मेरे दरखास्त है, दिवाली का मौसम है, आनंद कीजिए, दिया जलाइए, पटाखा मत फोड़िए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको प्यार मिलता रहे तो फिर मिलेंगे। जय हिंद।